नमो नमः दर्शकों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपना YouTube चैनल रीति रिवाज विजेता में। दर्शकों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप होलिका दहन के लिए पूजा करने जाने वाले हैं तो आपको क्या क्या अपने साथ लेके जाना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, और जब दुल्हनडी यानी अगले दिन जब आप रंग खेलते हैं तो आपको अपने जो दिन की शुरुआत है वो कैसे करनी चाहिए, वो सब कुछ मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो बाद में शुरू करूंगी, पहले बोलूंगी कि जो दर्शक अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जो नीचे रेड बटन दिख रहे हैं उसे दबाइए, घंटे के निशान में दबाइए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें और सारे के सारे आपको ईजिली मिल जाए। ठीक है, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो होलिका जो अब की बार जो होलिका दहन है जो अब की बार में वो 20 मार्च 2019 को है, और जो दुल्हनडी है जो खेलने वाला त्योहार है वो है हमारा 21 मार्च 2019 को। तो आपने जब आप पूजा दहन के लिए जाएंगे तो आपने अपने साथ क्या क्या सामान लेके जाना है वो मैं बताती हूँ। पहले तो सबसे पहले आप वो अपनी माला बनाएंगे जो बटकूलों की, जो मैंने आपको बताए थे कैसे बनाते हैं, तो उसमें जो गुलेरी होती है जो सबसे छोटे वाले होते हैं, पहले आप उनको डालिए, 5 पीसेस डालिए आप उसमें, 5 डालिए, उसके बाद में 5 जैसे आपने वो डाल दिए, बीच में एक आपने सूरज डाल दिया या आपने एक चांद डाल दिया, और फिर आपने 5 फिर गुलेरी डाल दी, तो वो जो टोटल होता है 5 5 10 और बीच में एक, यानी वो 11 बटकूले आपने डाले तो उसकी एक माला बन जाती है। या फिर आप ऐसे डालिए, या फिर 10 10 और बीच में एक 21, इस तरीके से आप मालाएं बना सकते हैं। अपनी 5 मालाएं आप एटलीस्ट बनाएंगे तो जो वहां पे आप लेके जाते हैं वो बच्चों के हाथ में पकड़ा दी जाती है, वो लेके जाते हैं। थाली में आपने रखना है सूखा आटा, गुड़, हल्दी, घी का दीपक, खुले पैसे, बेर, हरे बेर चढ़ाने का बहुत ज्यादा महत्व है दोस्तों, बेर, कच्चा सूत, सफेद रंग का कच्चा सूत होता है वो आप साथ में लेके जाइए, और एक पानी का लोटा जिसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर लेके जाइए। तो ये सारी चीजें आप लेके जाएंगे। बच्चों को मेवे की मालाएं भी पहनाई जाती हैं, तो वो भी होलिका दहन से पहले ही घर पे बना ली जाती हैं, और आप वो बना के फिर बच्चों को पहना के वो भी जरूर लेके जाइए अपने साथ में। तो ये आपको वहां जाना है, और होली पूजा जब आप करेंगे तो हो सके तो आपके घर में जो भी आपकी शादी में आपको पीलिया दिया गया हो, या फिर जब आपका लड़का हुआ हो तब आपको पीलिया दिया गया हो, तो वो आप ओढ़ के जरूर जाइए होलिका जब आप पूजन के लिए जा रहे हैं, वो वहां पे जाइए। उसके बाद में वहां जाने के बाद में आपने जो पूजा करनी है वो इस तरीके से करनी है, आप सबसे पहले वहां बैठ जाइए अपने बच्चों के साथ में, उनको लेके जाइए, और हल्दी से पहले 7 तिलक नीचे वहीं पे जमीन पे आप 7 जगह जैसे टिक्की लगाते हैं ऐसे 7 जगह लगाइए। फिर वहां पे जो आप सूखा आटा साथ में लेके गए हैं 7 उनकी ढेरी बना दीजिए, और जो गुड़ आप लेके गए हैं थोड़ा थोड़ा तोड़ के उन 7ों ढेरियों के ऊपर लगा दीजिए। फिर वहां पे आप दिया जलाइए, जो आप पैसे लेके गए हैं वो पैसे चढ़ाइए, और जो बेर लेके गए हैं वो आप बेर चढ़ाइए वहां पे, और मतलब थोड़ा थोड़ा सामान आपने बेर चढ़ा देना है, और जो आप प्रसाद के लिए, शायद मैं बताना भूल गई, आप इलायची या पताशे भी अपने साथ में जरूर लेके जाइए। फिर ये पूजा करने के बाद में, दिया जलाने के बाद में, फिर आप जैसे वहां पे होलिका दहन में देखा होगा आपने बहुत सारे वो कांटे और सूल सब लगे होते हैं, तो कहीं पे अपना जो सूत का धागा जहां पे भी आप पूजा करके उठे हैं वहीं पे अटका दीजिए, और फिर जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज अपना वो सूत घुमाते जाइए, और साथ साथ पानी, लोटे का जो पानी है उसको सिलाती जाइए उसमें, और ऐसे करके आपको कम से कम 3 परिक्रमा करनी है, और परिक्रमा करते समय आप अपनी कोई भी मनोकामनाएं वहां पे अपनी बोल सकते हैं, जो कि आपकी मनोकामना हो जो पूर्ण हो जाए तो वो मोस्ट प्रोबेबली पूरी हो जाती है, तो आप वो वैसे कीजिए। जितनी भी लेडीज हैं सब अलग अलग करें, जैसे सास और बहू जा रही हैं तो सास अपना अलग सूत से 3 परिक्रमाएं करेंगी, बहू अपना अलग करेंगी, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप अपने पति के साथ जा रही हैं तो आप पति के साथ भी जोड़े से भी अगर आप करना चाहते तो आप 7 परिक्रमाएं भी कर सकती हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूजा हो जाती है। जो बड़कुल्लों की माला है वो बच्चों से वहां पे होलिका जो पूरी जो होलिका माता का जो बनाया गया है पूरा वो आप उस पर चढ़वा दीजिए, वो सारी मालाएं आप वहां चढ़ा दीजिए, और मेवे की माला बच्चे अपने गले में ही पहन के रखते हैं। उसके बाद में जो आप आटा है, गुड़ है, आप मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा लेके जाइए, वहां पे लोग बैठे होते हैं लेने वाले, तो आप उनको आटे में, उनके आटे में आटा डाल दीजिए, गुड़ में गुड़ डाल दीजिए, पैसे दे दीजिए उनको, और प्रसाद फिर वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बांट दीजिए सबको। तो इस तरीके से आपने होली पूजा करनी है, और वापस आना है, और आते समय आप थोड़ा सा चौराहे से टल के चलिएगा, क्योंकि होली पे थोड़े
टोने टोटके किए जाते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जहां पे भी चौराहा आए वहां से थोड़ा बच के थोड़ा सा प्रसाद वहां पे जरूर चढ़ा दीजिए वहां पे, और फिर आप अपने घर आ जाएंगे। तो घर आके जो पानी में लोटी में पानी थोड़ा सा बचा के ले आना आप, उससे अपने दोनों घर के जो दोनों कोले होते हैं उन्हें सिला देना है, पहले राइट हैंड साइड को फिर लेफ्ट हैंड साइड को, फिर आप अपने घर में चले जाइए। तो इस तरीके से तो आपने होलिका पूजा करके आनी है। होलिका दहन का जो समय होता है वो शाम का होता है, उसके लिए आप जा सकते हैं, पूजा पहले भी की जा सकती है क्योंकि ये बिना कुछ खाए पिए होती है पूजा, तो आप 12 बजे भी करके आ सकते हैं इस पूजा को, इसमें वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप व्रत ही रखते हैं तो वो एक अलग है, अगर आपके यहाँ पे रिवाज है व्रत रखने का, तो वैसे रखना कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से करते हैं। और अगले दिन धुलैंडी वाले दिन आप क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, सुबह नहा धो के, ऐसा नहीं है कि होली है तो नहाओ मत, सबसे पहले आप नहाइए और फिर आप अपने जो मंदिर, अगर आप अपने घर के मंदिर में ही रंग चढ़ाना चाहते हैं, जो भी आप सूखे गुलाल वगैरह लेके आए हैं वो चढ़ाइए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मंदिर में जाना तो आप मंदिर में जाके भी गुलाल चढ़ा सकते हैं। हो सके तो आप शिव जी भगवान पे नीला रंग चढ़ाइए, और जो मतलब राधा कृष्ण है उनके ऊपर गुलाबी रंग चढ़ाइए, जो माता रानी है उनके ऊपर लाल गुलाल चढ़ाइए, जो वहां पे जो श्री राम का जो पूरा परिवार होता है वहां पे आप पीला या संतरी रंग का आप रंग चढ़ाइए वहां पे, तो और जो गणेश जी हैं गणेश जी के ऊपर पीला रंग चढ़ाइए, और हनुमान जी पे आप ऑरेंज कलर का जो रंग हो आप वो चढ़ाइए। तो इस तरीके से आप सब पे थोड़ा थोड़ा रंग चढ़ा सकते हैं, और फिर उस पैकेट को उनके चरणों में रख के थोड़ा थोड़ा चढ़ा के उसके बाद में फिर आप उन्हीं रंगों को इस्तेमाल कीजिए एक दूसरे के लगाने के लिए। बहुत ध्यान से लगाइएगा दोस्तों, जितने भी आपके बड़े बुजुर्ग हों उन सबके पैरों पे आप नीचे पैरों पे रंग लगा के उन्हें लगाइए, क्योंकि उनके गाल पे नहीं लगा सकते हम, तो उनके हम पैरों पे लगा देते हैं, नीचे दोनों पैरों के ऊपर थोड़ा थोड़ा रंग लगा देते हैं, तो इनसे वो आशीर्वाद देते हैं हमें। और जो बच्चे होते हैं उन्हें तिलक लगा देते हैं, उनके गालों पे लगा देते हैं, और ऐसे ही जो हमारे हम उम्र होते हैं उनके भी हम तिलक लगा के और गाल पे तिलक लगा सकते हैं, गाल पे रंग लगा सकते हैं। तो हो सके तो फूड कलर से खेलिएगा, सूखे रंगों से खेलिएगा, बच के रहिएगा, मतलब बहुत ज्यादा डर्टी होली मत खेलिएगा, अच्छी होली खेलेगा जिससे आपकी आंखों और स्किन को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से आपको होली आपको खेलनी है, इस तरीके से आपको होली का पूजा भी करनी है, और होली धुलैंडी वाले दिन भगवान के चरणों में भी गुलाल जरूर चढ़ाना है। तो इस तरीके से आप होली का त्यौहार मनाइए, आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर होगा तो होली पे लाइव सेशन करेंगे, देखते हैं फिर, ठीक है, हैप्पी होली।